इनके पतियों को मुझे पूछना है कि भाई अपनी बीवियों को नंगा करके जो पैसे कमाते हो तुम लोग के गले से कैसे उतरता है वो अनाज। तो तुम जैसे घर का कुत्ता होता है ना, उस उतनी भी इज्जत तुमको बाद में मिलेगी नहीं। हेलो, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। सबको कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ही होंगे, पर मैं ठीक नहीं हूँ। आज सुबह सुबह सारा काम निपटा के मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल में, क्योंकि थोड़ी सी हेल्थ इश्यू है। मेरे थोड़े जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, मतलब पहले से हो रहे थे, और मेरी ट्रीटमेंट भी चालू थी आयुर्वेद की। तो अब आज सुबह से बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि ठंड भी बहुत बढ़ गई है, तो दर्द मुझे सहन नहीं हो रहा था, इतना दर्द था। तो आज का सब काम निपटा के पूजा वूजा करके मैंने खाना भी बना दिया है, खाली आके रोटी बना दूंगी। तो अभी हस्बैंड आएंगे मुझे लेने के लिए, वो दुकान गए हैं, और दुकान से आएंगे तो मुझे लेके वो हॉस्पिटल चले जाएंगे। तो मिलते हैं आप हॉस्पिटल में, मैं आपको दिखा दूंगी। यहाँ का आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल है काफ़ी बड़ा है, बहुत अच्छा है, और हर कोई उस हॉस्पिटल में जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे फ्री सर्विस है, कोई भी चार्ज नहीं लेते, 10 रुपये भी नहीं लेते, और प्लस मेडिसिन भी उनकी तरफ से होती है, और ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि आयुर्वेद ऐसा भी नुकसान नहीं करता है। तो मिलती हूँ आपको, दिखाती हूँ मैं यहाँ का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा, एकदम नीट एंड क्लीन। तो चलिए मिलते हैं, मैं बताती हूँ आपको। तो ये देख के जाने से पहले आपको दिखा देती हूँ कि भिंडी रेडी है। ये आलू और भिंडी फ्राई बनाई है, और इसके साथ में मैंने बनाई है ये गुजराती खिचड़ी, जो कि सिंपल वाली खिचड़ी रहती है मूंग दाल की, ये देखिए सॉफ्ट वाली। तो अभी इसका पानी जैसे ही सूख जाएगा गैस बंद कर दूंगी, और फिर आने के बाद रोटी बना दूंगी। तो ये मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल में, आप देख सकते हो, ये मेहसाणे का ऊंझा गांव में है, और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। आपको दिखाती हूँ कितना साफ़ सुथरा है। देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतने साफ़ नहीं रहते, पर ये देखिए कितना अच्छा है, बड़ा हॉस्पिटल है। और यहाँ पे ना केस पेपर के लिए भी पैसे नहीं लेते हैं। ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे केस पेपर निकाल रहे हैं। देखिए, आपको मैं अंदर भी दिखाती हूँ, ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, ये देखिए कितना साफ़ सुथरा है। और मेडिसिन भी यहाँ पे फ्री में मिल जाती है, जो गोलियाँ देते हैं वो सब इनकी ही रहती है, इनकी तरफ से ही। जो डॉक्टर होते हैं वो भी अच्छे हैं, बात करने में अच्छे, हर चीज़ अच्छे से समझाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, अभी तक डॉक्टर तो आए नहीं हैं। ये देखिए, वेटिंग के लिए बहुत पेशेंट है। और ये जो रूम है हमारे डॉक्टर का है, ये वैद्य पंचकर्मश्री, तो यहाँ पे हमारे डॉक्टर बैठते हैं। ये मेरे हस्बैंड है मोबाइल पे बिजी, और चलिए अभी घर पे आ गई हूँ। ये देखो, ये इस तरीके से मेडिसिन वहाँ पे मिलती है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, देखा आपने, ये है आयुर्वेद हॉस्पिटल ऊंझा। और ये भी दिए, हम देखते हैं कब मुझे अच्छा लगे। तो अभी दोस्तों थोड़ा सा सारा काम निपटा के मैं बैठ गई हूँ, सोचा थोड़ा सा मोबाइल पे मैं शॉर्ट्स देखूँ, वीडियोस देखूँ। पर जैसे ही वीडियोस देखने के लिए मोबाइल हाथ में लिया, शॉर्ट्स ओपन किए, तो ये नंगी औरतें आ गई सामने। मतलब मुझे इतनी घिन आती है इन लोगों से, दया आती है कि ऐसी औरतें अपना पेट पालने के लिए इतनी लोगों के सामने अपने माँ बाप भाई किसी का भी लिहाज ना करते हुए सोशल मीडिया पे नंगी हो जाती है, और उनके साथ में उनके पति भी रहते हैं। इनके पतियों को मुझे पूछना है कि भाई अपनी बीवियों को नंगा करके जो पैसे कमाते हो तुम लोग के गले से कैसे उतरता है वो अनाज। और ऐसी औरतें ऐसे पतियों को सपोर्ट कैसे करती है? देखो, जब तक तुम जवान हो, जब तक तुम सोशल मीडिया पे दिखाने के लायक हो, तब तक ही तुम्हारा पति तुम्हें नंगा करने वाला है। जैसे ये जवानी तुम्हारी उतर जाएगी, तुम्हारा पति तुमको पूछेगा नहीं, तुमको छोड़ के कोई और पकड़ेगा जो वापस उसका पेट पाल सके, है ना।
तो तुम जैसे घर का कुत्ता होता है ना, उस उतनी भी इज्जत तुमको बाद में मिलेगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोगों के सामने नंगी हो चुकी हो। क्यों अपनी इज्जत गवाती हो? मुझे इन लोगों को देख के मेरा खून खौल जाता है, इतना गुस्सा आता है। एक वो है सोनी मोनी, दूसरी है गोरखपुरिया। गोरखपुरिया ये वो लगाने वाली बहुत चैनल्स है, हाँ बहुत सारी है। एक तो लड़की इतनी छोटी उम्र, मुझे लगता है वो तो 17 साल की भी नहीं रहेगी, प्रेग्नेंट है, और फिर भी उसको उसका क्या इतना इतना सा दिखाना रहता है पता नहीं, और साथ में उसका पति भी रहता है। इतने बुरे दिन आ गए तुम्हारे कि तुम्हारे हाथ पैर में जान नहीं है कि मेहनत करो, कमाओ खाओ, या भीख मांगो, या किसी के घर में बर्तन मांजो, लेकिन नंगे होने की क्या जरूरत है तुमको? ऐसे पतियों को लात मार के छोड़ दो जो तुमको नंगा कर रहा है, या तुमको मजबूर कर रहा है ये सब करने के लिए। और मुझे समझ में नहीं आता, ये सारी के सारी जो चैनल्स आप चेक करोगे कि ये जो भी नंगे चैनल वाले हैं, ये सारे के सारे यूपी बिहार के हैं। उनके चैनल के नाम भी गोरखपुरिया, ये भाभी गोरखपुरिया, वो भाभी गोरखपुरिया, गुड़िया गोरखपुरिया, हाँ मतलब क्यों भाई? वहीं के लोग ऐसे क्यों? वहां के मर्दों के हाथों में ताकत नहीं है जो तुम अपनी बीवी को नंगा करते हो? देखो, एक इतने से ये जो लोग हैं नंगे लोग, उनकी वजह से सारे यूपी बिहार का नाम खराब होता है। जो बाकी अच्छे घर के लोग हैं यूपी बिहार के, उनको भी उसी नज़र से लोग देखते हैं, क्योंकि ये थर्ड क्लास लोग जो सोशल मीडिया पे है। मैं ना काफ़ी दिनों से इस चीज़ पे बात करना चाहती थी, पर मेरा मुझे ऐसा लगता था इनके बारे में बात करूँ तो मेरा मूड खराब हो जाता है। किसी के साथ में रिमिक्स नहीं बना सकती थी। कभी कोई वीडियो बना देखती हूँ ना मैं शॉर्ट्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ रिमिक्स करके ना इसको अच्छी खासी सुनाऊँ मैं गालियाँ। पर मुझे ऐसा लगता है यार, फिर इसका वीडियो मेरे वीडियो के साथ ज्वाइन हो जाएगा, मेरे चैनल पे, मेरे प्रोफाइल पे इसकी वीडियो दिखेगी गंदी, और मुझे मेरा प्रोफाइल ख़राब नहीं करना है। क्या बताऊँ क्यों ऐसा? मतलब इतने यूपी बिहार में इतने गरीबी छाई है, इतने भूखे मर रहे हो तुम लोग जो बीवियों को नंगा कर रहे हो। छेड़, मुझे इनके बारे में भी बात ही नहीं करनी है, मूड खराब हो जाता है इनके बारे में बात करके। और बोलो गाइस, एक तो सुबह से मूड अच्छा नहीं है, मतलब हाथ दर्द करने लग गया। सुबह से मूड अच्छा नहीं है, एक तो तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल दवाइयाँ ये सबसे मन भर गया है। और क्या है, हेल्थ इश्यू के वजह से एक तो फिजिकली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, पता नहीं मूड बहुत स्विंग होता रहता है बार बार। अभी तो दवाइयाँ स्टार्ट की है, पता नहीं अभी कब मुझे अच्छा लगेगा, कब ठीक हो जाऊँगी। 1 महीने से मैं सफ़र कर रही हूँ जॉइंट पेन की वजह से। काफ़ी दवाइयाँ मैंने की, एलोपैथिक दवाइयाँ मैंने की, पर उसका कोई असर मुझ पे नहीं हुआ, उल्टा रिएक्शन हो रहा था मुझे बहुत उसका। तो इसीलिए मैंने अभी पिछले 10 दिन से मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ स्टार्ट की, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे, ऑलमोस्ट मुझे 60-70% इससे मुझे लाभ हुआ है। तो अब देखते हैं, आज भी डॉक्टर ने यही कहा है कि आगे कंटिन्यू कीजिए दवाइयाँ, और कितना बड़ा कोर्स होगा पता नहीं, पर फ़र्क तो पड़ रहा है। मुझे बहुत वो लग रहा है कि मैं खुद मेडिकल पर्सन हूँ, मेडिकल लाइन की हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आयुर्वेदा पे अब ज़्यादा भरोसा हो रहा है। मुझे एलोपैथिक पे इतना वो नहीं रहा है, ट्रस्ट नहीं रहा है। एक टाइम पे मैं 6-7 गोली खाती हूँ, खाती थी इसी कारण जॉइंट पेन के वजह से, फिर भी मुझे कोई उसका असर नहीं हो रहा था, लेकिन पूरे दिन मैं डिस्टर्ब रहती थी। इतना अजीब लगता था, ऐसे लगता था कि मेरा ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है, मेरा ब्रेन ही ना सो गया है, ऐसे लगता था मुझे, काम ही नहीं करता था पूरा दिन, मेरे में एनर्जी नहीं रहती थी। और मैंने जब से भी मैंने वो बंद ही कर दी एलोपैथिक, और मैंने आयुर्वेदिक चालू कर दिया, और जिसके वजह से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, सच में बहुत फ़ायदा हुआ। अब देखते हैं, डॉक्टर ने बोला है कि कंटिन्यू कीजिए ये दवाइयाँ, अब कंटिन्यू तो करूँगी, जैसे ही भी मुझे फ़ायदा होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी सारी बातें। अब फिलहाल तो मैं अभी
मेरे हस्बैंड आएंगे लंच के लिए, लंच करके दवाइयाँ लेके आराम कर दूँगी। आज तो कोई भी शॉर्ट नहीं बनाया, मैं सोच रही थी शॉर्ट बनाऊँ या रील्स बनाऊँ, कुछ साउंड अच्छा मिले तो उस पर बना दूँगी। तो देखा तो ये हरामजादियाँ नंगी औरतें सारी आ गई सामने, क्या बोलूँ, ऐसा गालियाँ भी आ जाती मुँह में। कोई बात नहीं बनाओ दोस्तों, इनको नंगा नाच करने दो, अपने को क्या है, अपनी कैटेगरी वो नहीं है। हम जितना मिलता है मेहनत से हम उतना ही खाते हैं। भगवान की दया से हमारे बाजुओं में अभी भी ताकत है, हमारे पति हमारे आदमी लोग मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनत से हमें कमा के खिलाते भी हैं। इनके जैसे नहीं, अपनी बीवियों को सबके सामने कपड़ा पहनते टाइम वीडियो बनाओ, कपड़ा उतारते टाइम वीडियो बनाओ, उनको छुओ कहीं भी वीडियो बनाओ, और ऐसी वीडियो पे लाखों व्यूज व लाखों लाइक्स, इनके सब्सक्राइबर भी लाखों हैं, चार चार पाँच पाँच लाख, सोचो आप। इनकी प्रोफाइल देख के ही ऐसा लगता है भाई, मतलब इनको देखने वाले लोग भी ऐसे इसी तरीके से होंगे, इतने ही थर्ड क्लास होंगे जो इनको लाइक करते हैं, इनके प्रोफाइल पे जाके सब्सक्राइब कर देते हैं। ये है एंटरटेनमेंट, मतलब कला नाम की कोई चीज़ नहीं है। कॉमेडी वीडियो हम बनाते हैं, हमारे वीडियो पे तो कभी लाखों वीडियो आए नहीं है, और काफ़ी मेहनत हम भी करते हैं, पर लोग चाहते कि नहीं हमारी औरत को नहीं, दूसरों की औरतों को नंगा देखने में तुमको बड़ा मज़ा आता है, वो सही। तो फिर ऐसा है तो हम भाई इतने जो 10-12 लाइक हमारे चैनल पे आते हैं हम उसी से खुश हैं, हमको नहीं चाहिए लाखों। हमें आपने आप लोगों को ऐसा एंटरटेन नहीं करना है नंगा होके, ये संस्कृति हमारी नहीं है। हमारे माँ बाप भाई है जो हमारे वीडियोस देखते हैं, हमको शर्म है उनके सामने, हमें वापस खड़ा रहना है। ये औरतें पता नहीं कैसे अपने माँ बाप और भाइयों के सामने जाके खड़ी हो जाती है इतनी नंगी होने के बाद में। खैर कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे कोई यूपी बिहार वाले हैं तो आई एम सॉरी, मैंने मुझे किसी एक को टारगेट नहीं करना है, या किसी एक कंट्री को टारगेट नहीं करना है, किसी एक राज्य को टारगेट नहीं करना है। मुझे सिर्फ इतना ही दिमाग में है कि सिर्फ यूपी बिहार क्यों, गुजरात है, महाराष्ट्र है, हाँ मैं खुद महाराष्ट्र से हूँ और मैं रहती हूँ गुजरात में। मैंने आज तक ऐसा एक भी चैनल गुजरात का या महाराष्ट्र का देखा नहीं है जिसमें औरत लौकी लेके, गाजर लेके, ये वो लेके, समझ रहे आप, ऐसे वीडियो बना रही है, ऐसा कोई मैंने देखा नहीं। नेपाल है, कलकत्ता है, कलकत्ता में भी है, ऐसे मैंने नहीं देखा यार। क्यों यार तुम वो यूपी बिहार वालों को ऐसी कौन सी भीख लगी है तुमको, हाँ चलाओ करो, अपनी बीवियों को नंगा करो, और क्या कर सकते हो। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, अभी यहीं पे एंड कर देती हूँ, मूड बहुत ख़राब हो चुका है। आपको मिलती हूँ कल, फिलहाल थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं तो आराम कर देती हूँ, ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल। तो यूँ ही प्यार बरसाते रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप नए हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, जय माता जी।